गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉस एंड अबैंडनमेंट अबैंडनमेंट का मतलब होता है सरेंडर कर देना तो लॉस एंड अबैंडनमेंट के सबसे पहले जो टॉपिक में आती है हमारी चीज दैट इज सेक्शन 55 इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड लॉसेस जो इंश्योरर है वो लायबल सिर्फ उस लॉस के लिए है जो प्रॉक्सिमिटली कॉस्ट हुआ है बाय अ पॉल जो इंश्योर हुआ है जिसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका उसमें सब्जेक्ट मैटर आपका अगेंस्ट अनलेस जो पॉलिसी उसमें कुछ और प्रोवाइड करवाती है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 बट जो इंश्योरर है वो लाइबल नहीं होगा किसी भी लॉस के लिए विच इज नॉट अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बाय पर्ल In जो है, वो लाइबल नहीं है किसी भी लॉस के लिए जो हुआ है, किस से? की से. या जो है वो लाइबल होगा सिर्फ उस लॉस के लिए जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ड हुआ है बाय अ पर्ल इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड है ड्यू टू दी मिसकंडक्ट और निग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और क्रियो देन जो इंश्योरर है वो लायबल नहीं है किसी भी लॉस के लिए जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट हुआ है बाय डिले ऑल दो जो डिले है वो बेशक इंश्योर्ड पोल की वजह से हुआ हो नेक्स्ट इज जो इंश्योरर है वो लायबल नहीं है किसी भी ऑर्डनरी वेयर एंड टियर के लिए ऑर्डनरी लीकेज ब्रेकेज के लिए या कोई भी लॉस Approximately cost हुआ है अगर rats और women की वजह से या फिर कोई भी लॉस हुआ है machinery को जो not approximately cost by maritime poles है Next है हमारा पार्शियल एंड टोटल लॉस सेक्शन 56 एक जो लॉस है वो पार्शियल लॉस भी हो सकता है और टोटल लॉस भी हो सकता है कोई भी लॉस जो टोटल लॉस नहीं है उसे पार्शियल लॉस कहा जाएगा टोटल लॉस एक्चुअल टोटल लॉस भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस भी हो सकता है जर्नली एक जो जर्नली जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है अगेंस्ट तो टोटल लॉस वो इंक्लूड करती है कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज एन एक्चुअल टोटल लॉस जहां पर सूट फाइल किया गया है एशोर्ट के थ्रू फॉर टोटल लॉस और एविडेंस ये प्रूफ करता है कि सिर्फ पार्शियल लॉस है तो वो रिकवर कर सकता है पार्शियल लॉस और जहां पर जो गुड्स हैं, वो इनकैपेबल हैं कि उसे आप नहीं कर सकते किस रीजन की वजह से कि जो निशान थे वो मिट, वो मिटा दिए गए गुड्स डिस्ट्रॉय होने के या गुड्स का लॉस होने के तो वो पार्शियल लॉस होगा ना कि टोटल लॉस देन नेक्स्ट आता है एक्चुअल टोटल लॉस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 सेवन जहाँ पे जो इंश्योर का सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है डैमेज हो जाता है या वो वो चीज़ नहीं रही है जिस तरीके की चीज़ को इंश्योर किया गया था और वो एश्योर के लिए किसी फायदे की नहीं रही है तो उसे एक्चुअल टोटल लॉस कहा जाएगा इन केस ऑफ एक्चुअल टोटल लॉस कोई भी नोटिस ऑफ अबेंडेंडमेंट देना नेसेसरी नहीं है Then, पर एक जो शिप है वो एडवेंचर में missing हो गई है, और वो ट्रेसबल नहीं है इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रिजनेबल टाइम तो जो एक्चुअल टोटल लॉस है उसे प्रज्यूम किया जाएगा दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन फिफ्टी एट देन नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस अकॉर्डिंग टू सेक्शन सिक्सटी Uh, वहां पर हम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस मानेंगे जहां पर जो सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड है वो रीजनेबली अबेंडेंट किया गया है ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एक्चुअल लॉस एक्चुअल टोटल लॉस जो अपीयर uh, कर रहा है कि वो अन है और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसे प्रिजर्व नहीं किया जा सकता एक्चुअल टोटल लॉस से बिना उसके ऊपर कोई एक्सपेंडिचर किए वहां पर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना जाएगा इन पर्टिकुलर जहां पर जो एश्योर्ड है वो डिप्राइव डिप्राइव्ड हो जाता है पोसेशन से उसकी शिप के गुड ड्यू टू अल जो जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस लिया था और ये अनलाइकली है कि उसे रिकवर वो शिप को कर सके या गुड्स को या कॉस्ट ऑफ रिकवरिंग जो है उनको करने की वो उनकी वैल्यू से एक्सीड करती है देन इन केस ऑफ डैमेज ऑफ शिप जो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है शिप की वो ज्यादा है आपकी डैमेज जितना हुआ है उससे ज़्यादा है देन इन केस ऑफ डैमेज ऑफ गुड्स जो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है गुड्स की और फॉरवर्डिंग्स की उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए वो एक्सीड कर रही है उसकी वैल्यू से जो अराइवल पर होगी देन नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सिक्सटी वन इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वहां पर जहां पर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है तो ये जो एश्योर्ड है वो उसे ट्रीट कर सकता है उस लॉस को एज अ पार्शियल कर सकता है एज एक्चुअल टोटल लॉस बाय अबेंडनिंग सब्जेक्ट मैटर टू दी इंश्योरर देन नेक्स्ट है हमारा नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट सेक्शन 62 ये कहता है कि जहां पर एश्योर्ड जो है वो चूज करता है कि वो अबेंडेंट करेगा सब्जेक्ट मैटर इंश्योरर को तो उसे नोटिस देना पड़ेगा अबेंडेंटमेंट का इंश्योरर को अदरवाइज जो लॉस है उसे पार्शियल लॉस ट्रीट किया जाएगा जो नोटिस होगा वो आपने राइटिंग में देना है या ओरली आप दे सकते हैं या पार्शियली राइटिंग में और पार्शियली ओरली दे सकते हैं देन जो नोटिस है अबेंडेनमेंट का वो आपने ड्यू डेलीजेंस के बाद देना है जब आपके पास रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको लॉस की जो एश्योर्ड है वो इन है रीजनेबल टाइम लेने के लिए इंक्वायरी करने के लिए इन केस ऑफ डाउटफुल इंफॉर्मेशन जहां पर जो नोटिस है अबेंडेनमेंट का प्रॉपरली दिया गया है तो जो इंश्योर है प्रिजोडाइज नहीं कर सकता राइट्स एश्योर्ड की उसे रिफ्यूज करके कि वो अबेंडेनमेंट को एक्सेप्ट ना करे देन जो एक्सेप्टेंस है अबेंडेनमेंट का वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है फ्रॉम कंडक्ट ऑफ इंश्योरर लेकिन Insurer की साइलेंस को आफ्टर नोटिस जो साइलेंस है उसकी उसे आप एक्सेप्टेंस नहीं मांग मान सकते देन जहां पर जो नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट एक्सेप्टेड हो गया है उसके बाद वो इरिवोकेबल है देन जो आपका नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट है वो अननेसेसरी है नेसेसरी नहीं है

इंश्योरर देन आता है इफेक्ट ऑफ एबेंडमेंट सेक्शन 63 जहां पर जो एबेंडमेंट है वो वैलिड तरीके से की गई है तो जो इंश्योरर है वो इंटाइटल है टेक ओवर करने के लिए जो भी इंटरेस्ट है अशर्ड का जो भी सब्जेक्ट मैटर रह गया है उसके अंदर इन केस ऑफ अबैंडनमेंट ऑफ शिप जो इंश्योरर है वो इंटाइटल है रिसीव करने के लिए जो भी फ्राइट अर्न कर रही है वो जो शिप है आफ्टर डिडक्टिंग दी एक्सपेंसेस जो भी उस फ्राइट को अर्न करने के लिए किए गए हैं जहाँ पर जो शिप है वो कैरी कर रही है गुड्स ऑनर की तो जो इंश्योरर है वो इंटाइटल है चार्ज करने के लिए रीजनेबल रेमोरेशन फॉर दी कैरेज तो ये था हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच